हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं और आगे आने वाली कोर्सेज के बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जहां पर हमारा क्वेश्चन था कि हमें क्या करना चाहिए, न्यू चैनल क्रिएट करना चाहिए या फिर इसी चैनल पर प्रोग्रामिंग कोर्सेज को लॉन्च करना चाहिए। तो वहां पर बहुत सारे लर्नर्स ने कमेंट किया है कि उनको न्यू चैनल चाहिए जहां पर हम साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेस ऐड कर सके। बट उसके बाद हमारे माइंड से एक छोटा सा क्ल्यू जो था वो छूट गया था, जो कि है कि अगर हम न्यू चैनल भी क्रिएट करते हैं तो वहां पर भी स्ट्राइक आ सकती है। इसलिए हमने क्या सोचा कि क्या करते हैं कि जब तक इस चैनल के ऊपर स्ट्राइक है तब तक यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग कोर्सेज को रन करें। यहाँ पर और भी साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज जो कि उतने एडवांस लेवल के या फिर मान लो कि उतने सेंसिटिव नहीं है उनको अभी पोस्ट कर सकते हैं। वैसे सेंसिटिव वर्ड को सुनने के बाद आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये कोर्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कोर्सेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कोई एक छोटा सा पहलू नहीं है। इसको आप एक तरह का बनियान ट्री समझ सकते हैं जिसके रूट्स इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि ये जहाँ से निकल जाए उसी को ये अपना एक नया अवतार बना लेता है। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में हैं तो आपको नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, आपको डिजिटल फॉरेंसिक भी आनी चाहिए, आपको स्टेगनोग्राफी भी आनी चाहिए, आपको इथिकल हैकिंग भी आनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी एनालिसिस करना भी आना चाहिए। और आपकी एक्सपर्टिस कैसे डिफाइन होती है कि आप कैसे वर्क कर रहे हैं या फिर आपके पास कौन से ऐसे नॉलेजेस हैं जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। तो यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले आपका नेटवर्किंग क्लियर होना चाहिए। आपको नेटवर्क कैसे वर्क करता है, कैसे आईपी एड्रेसिंग होती है, ओएसआई मॉडल कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी होता है। इसी के साथ साथ आप अगर इसके अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना भी जरूरी होता है। वैसे अगर आप इसको फन के लिए सीखना चाहते हैं तो आपको उतना एक्सट्रीम लेवल का कोडर बनने का जरूरत नहीं होता है। बट यहाँ पर अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना बहुत जरूरी होता है। और इसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि कैसे आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसको सेफली ब्राउज कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर से आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, या फिर कैसे आप जान सकते हैं कि आखिर इंटरनेट वर्क कैसे करता है, कैसे हम 95% इंटरनेट के बारे में बहुत ही कम एक्सप्लोर कर पाए हैं। और इसी के साथ साथ आता है आपका डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, जहां पर क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसी फाइल दी जाती है जिसमें क्या होता है कि आपको उसके बारे में पूरी उसकी कुंडली निकालनी होती है। और इसी तरह से मान लो कि अगर किसी डिवाइस में आपका कोई फाइल या फिर आपका कोई डेटा डिलीट हो जाता है या फिर कोई गलत इंसान कुछ गलत काम करके वहां से जो प्रूफ्स है या फिर जो एविडेंस है उनको डिलीट कर देता है, उसको कैसे आप यूज करके थीप्स को या फिर मान लो कि जो गलत इंसान है जिसने गलत काम किया है उसको कैच कर सकते हैं, जो कि क्या करता है कि आपको साइबर ब्यूरो के अंदर जॉब पाने के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी तरह से आता है स्टेगनोग्राफी। अब स्टेगनोग्राफी क्या है कि ये एक तरह का टेक्निक है जहां पर क्या होता है कि आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं, एनोनिमस मैसेजिंग कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डेटा होता है या फिर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं उनको क्या करते हैं कि इमेज फाइल या फिर पीडीएफ फाइल या फिर वीडियो फाइल के अंदर स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड किया जाता है। तो आप इसके बारे में जानने के बाद खुद सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, क्योंकि हमारा जो काम है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है एनोनिमिटी के ऊपर। यहाँ पर जितने भी वर्क होते हैं या फिर जितने भी यहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर आपको एनॉन रहना जरूरी होता है और अपने मैसेजेस को एनोनिमस होकर ही एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करना होता है। और इसी के साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना भी जरूरी है। अभी मान लो अगर आप किसी वेबसाइट के अंदर बग फाइंड कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बग फाइंड करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट बना किस चीज से है, वहां पर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हुई हैं या फिर कौन सी वेब टेक्नोलॉजीज यूज करके उस वेबसाइट को बनाया गया है, क्योंकि बिना उसके बारे में जाने आप वहां पर बग फाइंड नहीं कर सकते हैं। और मान लो आपको वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में पता भी चल जाता है तब भी आपको ये चीजें जाननी जरूरी है कि आखिर कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्क करती हैं और कैसे ये सारे कोड्स यहाँ पर प्रोग्राम किए गए हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आना जरूरी है। और यहाँ पर मेनली हम पाइथन को ही फोकस करने वाले हैं, क्योंकि पाइथन ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर जगह पर यूज होता है, ऑलमोस्ट हर जगह पर, सारी जगह पर नहीं बोल सकते लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह पर यूज होता है। यहाँ पर अगर आप कुछ स्क्रिप्ट भी राइट कर रहे हैं तो वहां पर भी पाइथन ही वर्क करता है। और उसके बाद आता है एसक्यूएल मैप और इसी के साथ साथ पीएचपी, ये सारी लैंग्वेजेस को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जब तक इस चैनल के ऊपर स्ट्राइक है तब तक हम क्या करेंगे कि हमारे जितने भी यहाँ पर लर्नर्स हैं या फिर हमको जो भी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर उन लोगों का जो बेस है, क्योंकि आपको भी पता है जब बेस स्ट्रांग होगा
तब उसका जो एक्सपर्टिस लेवल होता है वो और अच्छे से इंक्रीज होगा और बहुत ही इजीली वे में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में वो कैप्चर कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं अनाउंसमेंट की। सो गाइस, हम यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग फुल कोर्स, जहाँ पर मैं आपको बेसिक टू एडवांस फुल पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग रिलेटेड जीरो नॉलेज है, तब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो टारगेट लर्नर्स हैं वो बिगनर्स हैं। तो इसीलिए मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप यहाँ पर इसको बहुत ही इजी वे में सीख सकें। और इसी के साथ साथ ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम जानेंगे कि कैसे आप पाइथन को यूज कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में और कैसे आप इसका यूज लेके अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के अलावा भी मैं आपको कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बता दूँ कि क्यों आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और आखिर इस कोर्स में ऐसा क्या खास है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें naukri.com के वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर मैंने सिंपली सर्च किया है पाइथन प्रोग्रामर्स की एवरेज सैलरी कितनी है, या फिर जो बिगिनर्स हैं या जो पाइथन डेवलपर्स हैं वो कितने अमाउंट ऑफ सैलरीज पाते हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं ओरेकल के अंदर ये सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या है, बट इसको आप देख सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाएगा तो आप 30 से 45 लाख पर एनम भी अर्न कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एप्लीकेशन डेवलपर जो पाइथन प्रोग्रामर्स हैं उनके अंदर ये एसेंट्योर का है, जो कि अभी इन्होंने अपना जो अमाउंट है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, बट कोई ना, हम यहाँ पर और भी कंपनीज का देख सकते हैं। तो गाइस बेसिकली हमने naukri.com पर चेक किया, बट यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज ने अपने जो अमाउंट्स है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, इसलिए हमने सिंपली गूगल पर ही सर्च कर दिया कि आखिर पाइथन डेवलपर्स की सैलरी क्या है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,33,000 एवरेज सैलरी है पाइथन डेवलपर की इंडिया के अंदर, और अगर आप इसको अच्छे से सीखते हैं या फिर सीनियर लेवल तक चले जाते हैं तो आपका जो अर्निंग अमाउंट है वो 25 लाख से 32 लाख के अंदर हो सकता है। और बात करते हैं आखिर पाइथन जो कोडर्स होते हैं वो और कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अपने स्किल को यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर पाइथन को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसी तरह से हम देखने वाले हैं और कौन कौन सी फील्ड के अंदर पाइथन यूज की जाती है। सो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज होता है, मशीन लर्निंग में भी पाइथन का यूज होता है, गेम डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, डेस्कटॉप जीयूआई, बिजनेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशन, डेटा साइंस, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन विजुअलाइजेशन, एजुकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और फिर साइंस, स्क्रिप्टिंग, SEO, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ब्लॉकचेन, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, डाटाबेस एक्सेस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ों में पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप इनमें से कोई भी फील्ड को चूज कर सकते हैं और अपने स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कोर्स कितने अमाउंट का होने वाला है या फिर हमें कितना पे करना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स बिल्कुल ही फ्री होने वाला है। इस कोर्स को हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। आपको एक अलग पाइथन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर हम इसी कोर्स को लेकर ही स्क्रिप्टिंग, SEO, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ब्लॉकचेन, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, डाटाबेस एक्सेसिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बट यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले ही बता रखा है कि आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है और ये बिगिनिंग से आपको एक्सपर्टिस तक ले जाएगा, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको इस प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो प्रोग्रामर्स रेडी हो जाओ अपने स्किल को और भी इन्हेंस करने के लिए और पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। और मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज भी मिलेंगी, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने रूट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर रूट मजबूत होगी तो जो फ्रूट है वो भी मजबूत होगा, आई मीन स्वीट होगा। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर आपको पाइथन की इंट्रोडक्टरी पार्ट दिखेगी और उसी वीडियो के साथ साथ हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।